तो बीजेपी ने एक और सूची जारी कर दी है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशियों का बीजेपी ने ऐलान किया है। सुल्तानपुर, गौरीगंज, रॉबर्ट्सगंज, भदोही, गोपीगंज, चुनार के लिए नगर पालिका अध्यक्ष के कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने अवध क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अयोध्या नगर निगम के लिए पार्षदों की सूची जारी की गई है। पार्षद के उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। बीजेपी ने गाजियाबाद नगर निगम के लिए पार्षद कैंडिडेट्स का भी ऐलान कर दिया है। गोरखपुर और काशी क्षेत्र की सूची भी जारी कर दी गई है। शाहजहांपुर नगर निगम के लिए पार्षद कैंडिडेट्स की सूची भी जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी की एक और लिस्ट आ गई है नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। दूसरे चरण के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। नगर पालिका अध्यक्षों और वार्ड पार्षदों के, नगर पंचायतों के उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने किया है। दूसरे चरण के रण के लिए यह पूरी कवायद की गई है। बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है। चलिए अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। लखनऊ का सबसे पहले रुक कर लेते हैं अजीत। ये लिस्ट आ गई है, इसका इंतजार कल रात से कर रहे थे, अब ये लिस्ट आई है, क्या खास इस लिस्ट में? देखिए बिल्कुल, कई सारे जिलों की जो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ साथ पार्षद और सभासदों की लिस्ट आ गई कुंदन। देखिए उसमें अगर बात करें तो चाहे काशी क्षेत्र हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बदायूं हो, चाहे शाहजहांपुर हो, गाजियाबाद नगर निगम को, पार्षदों और नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों की सूची जारी हुई। लेकिन अभी भी उन 7 मेयर के जो नाम की घोषणा होनी है वो अभी बाकी। देखिए कुछ नगर पालिका अध्यक्ष जो प्रमुख हैं, सुल्तानपुर से देखिए प्रवीण कुमार अग्रवाल को दिया गया, अमेठी से रश्मि सिंह को दिया गया, इसके साथ ही मिर्जापुर से जो है सुंदर जौहरी को दिया गया, इसके अलावा विजय बहादुर सिंह है चुनार से उनको मिला है। तो इस तरह से नगर पालिका अध्यक्षों की सूची अलग से जारी की गई है, नगर पंचायत अध्यक्षों की अलग से जारी गई, पार्षद और सभासदों की सूची अलग से जारी की गई। लेकिन अभी जो मुख्य सूची है जिस पर सबकी नजरें बनी हुई कुंदन, वो है मेयर की। अयोध्या से किसको मिलेगा, गाजियाबाद से किसको मिलेगा, वहां जो है उसको किस तरह से वो आगे उसको सूची को बढ़ाया जाएगा, किसका पत्ता कटेगा, किसका पत्ता बचेगा। कहा जा रहा है कि कई जो 7 मेयर के नाम आने वाले उसमें देखिए अर्चना वर्मा, उन्होंने ज्वाइन कर लिया शाहजहांपुर, तो शाहजहांपुर के लगभग ये मानकर चलिए कि अर्चना वर्मा का ही नाम होगा, क्योंकि पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा की बहू है, जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, वो सीधे समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया था और वो सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुरेश खन्ना ने उनको ज्वाइनिंग कराई। इसके अलावा अयोध्या में ऋषिकेश उपाध्याय, ऋषिकेश उपाध्याय का नाम आगे चल रहा है। कानपुर की जो वर्तमान मेयर है उनको लेकर भी संशय बरकरार है। तो 7 में से कहा जा रहा है कि 5 प्रत्याशियों के चेहरे बदले जाएंगे परफॉर्मेंस और पब्लिक के बीच छवि के आधार पर। तो अभी थोड़ी देर में वो सूची भी आ जाएगी, क्योंकि कल नामांकन की अंतिम तिथि है दूसरे चरण के निकाय चुनाव की। तो थोड़ी देर और इंतजार करिए कुंदन, तो जो मेयर के नाम है वो भी आपके सामने आ जाएंगे। फिलहाल काशी से लेकर, गोरखपुर से लेकर, अयोध्या से लेकर गाजियाबाद तक निगम के पार्षद और सभासदों की, नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा।